क्या अभी बता रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जैसे आपने एक कैरेक्टर सुना होगा, जहर बिना मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, है किसी को याद? यस सर। हां जी, क्या है जी कैरेक्टर? जकूटा जी, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर है, मुझे काम बताओ, ये किसी तरह की, ये तमाम काम, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, हिदायत का ऐसा मजमुआ है जो कंप्यूटर को बताता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, है? तो इसमें दो तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दो तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपके एक एक सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक आ जाता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक क्या आ जाता है? और एक आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एम्फसाइज टास्क, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कोऑर्डिनेट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल योर टास्क, योर विश। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि मैं जो है डॉक्यूमेंट बनाऊं, मैं चाहता हूं मैं घर का नक्शा बनाऊं, मैं चाहता हूं अपनी फोटो का रंग काला है उसको सफेद कर दूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं गेम बनाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी इंस्ट्रक्शन से बल्ब ऑफ हो जाए, मैं चाहता हूं कि कैमरा ऑटोमेटिक मेरी पिक्चर को कैप्चर कर ले, मैं चाहता हूं मैं जैसे ही डाइस पे जाऊं मेरी मूवी बनना शुरू हो जाए, ठीक है जी, मैं चाहता हूं साथ साथ एडिटिंग होना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं उर्दू में बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं वो साथ साथ डबिंग जो है वो इंग्लिश में कर दे, मैं चाहता हूं कि मैं इन उर्दू में बोल रहा हूं इसको पंजाबी में कन्वर्ट कर दे, ये सारी ख्वाहिशें, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो है कोई पिक्चर को एडिट करके, ठीक है जी, मैं समंदर में बैठा हूं, हालांकि मैं पढ़ा क्लास में रहा हूं और अभी मेरे बैक साइड पे मैं ऐसा सीन लगा दूं कि मैं समंदर के किनारे पे हूं। तो ये तमाम तरह की चीजें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, जहां फुलफिल योर डिजायर योर टास्क, जहां आपके डिजायर आपके टास्क को पूरा होता है, ठीक है जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है जी। जैसे आप कहते हैं ना जी, मैं चाहता हूं उसका मोबाइल मेरे हाथ में आ जाए, ख्वाहिश है ना जी, चाहता हूं वो जो मोबाइल पे देख रहा है, कंप्यूटर पे देख रहा है, मुझे नजर आ जाए, ठीक है जी। इसी तरह ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पॉसिबल। सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? कोऑर्डिनेट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करता है और प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस, क्या करता है, यूजर इंटरफेस, क्या करेगा यूजर इंटरफेस, इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, आपकी लैंग्वेज है उर्दू, अगर आप उर्दू से इजीली समझ सकते हैं, इंग्लिश इजीली समझ सकते हैं, अगर आपको चाइनीज में, जैसे मैंने कल आपको तो नी हाओ मा का एक करेक्टर गूगल के अंदर ट्रांसलेट करके दिखाया था, तो उसी की लैंग्वेज में पढ़ाई, जब तक आप उसके मीनिंग को नहीं समझेंगे, जैसे आप देखते हैं अरबी और अजमी क्या है, अरबी जिन लोगों को आती है उनके लिए तो अच्छा महसूस होता है, जिनको नहीं आती उनको बड़ी मुश्किल से वो अरबी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें बहुत सारे कैटेगराइज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं जी, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे, हम पढ़ भी रहे हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो स्कूल के अंदर, घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है पढ़े जाते हैं, ठीक है जी, कहां पढ़े जाते हैं,
स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, और कहां ऑफिसेज के अंदर, और हर जगह तकरीबन आपकी लाइफ का 80% और 70% आपका यूजेज कहां होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। इसमें कौन कौन से प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, आपका पावर पॉइंट है, आपका इन पेज है, इसी तरह आपका अडोब फोटोशॉप कोरल ड्रा है। तो इस तरह के ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ड्राइंग करने के लिए, आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, आपको ऑडियो वीडियो बनाने के लिए, आपकी पिक्चर्स को ड्राइंग करने के लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, आपके पास ड्राइंग सॉफ्टवेयर सुनते होंगे, आप ड्राइंग करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह आपके पास जो सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर है, आप चाहते हैं मुझे इंग्लिश का वर्ड नहीं आता, मैं डिक्शनरी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करूं और उधर से फौरन मुझे मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है, ये रेफरेंस सॉफ्टवेयर हो गया। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, आप चाहते हैं कि मुझे एजुकेशन कोई वेबसाइट बनी हुई हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि sabak.com, आप जाते हैं कि कोई सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वहां से वो ऑन हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो क्या है, वो चार तरह के हैं। कितने तरह के हैं? चार बता दो। पहला सॉफ्टवेयर जो है वो है आपके पास सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, एक वक्त में एक काम करता है, एक वक्त में एक काम करता है। अब वो सिस्टम्स खत्म हो गए जो एक वक्त में एक काम करते थे। अभी भी इजी लोड वालों के पास वो है, कौन से मोबाइल वाला, वो पुराने वाले छोटे वाले, 1100 3310 3610, है जी। अभी वो जो अब वो डिजिटल, वो क्या है जी, स्मार्टफोन नहीं है वो, क्या है, क्या नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है वो, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, हमारे कंप्यूटर के अंदर डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक काम करता, ठीक है। अब जो चल रहा है वो सिंगल यूजर मल्टी टास्क है, कौन सा है जी, सिंगल यूजर मल्टी टास्क। अब मल्टी टास्क कौन से होते हैं, मल्टी टास्क जो है वो सिंगल यूजर है, मल्टी टास्क, जैसे आपने मोबाइल ऑन किया हुआ, फेसबुक भी ऑन है, व्हाट्सएप भी ऑन है, ईमो भी ऑन है, अच्छा जी आपके साथ गूगल भी ऑन है, यूट्यूब भी ऑन है, ठीक है, बहुत सारे काम एट अ टाइम, आपने ईमेल भी ओपन की हुई है, आप साथ वर्ड में काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंगल। दूसरा होता है मल्टी यूजर मल्टी टास्क, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम, नेटवर्क काम होते हैं, जैसे अभी आपको कोई एप्लीकेशन आई है और वैकेंसी आई है और आप सारे अप्लाई करने शुरू हो गए ऑनलाइन, जैसे आपने एडमिशन ओपन हुआ है यूनिवर्सिटी में, सब लोगों ने एडमिशन एट अ टाइम वो अप्लाई करना शुरू कर दिया, हर बंदे ने अपने कंप्यूटर से उसको अप्लाई करना, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आखिरी किस्म होती है रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, आपके हवाई जहाजों के अंदर, आपके मिसाइल एरोप्लेन्स के अंदर, आपके नासा के अंदर, आपके जमीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नैनो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं, जो जिनमें नो गैप बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग, थोड़ी सी देर का डिले जो है वो बहुत बड़ी तबाही का पेशकीमा साबित हो सकता है, ऐसे सिस्टम जो होते हैं वो रियल टाइम सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो आपने आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को दो चीजों में पढ़ा कि हार्डवेयर क्या है जी, कंसिस्ट ऑफ कौन सी, सिस्टम यूनिट एंड पेरिफेरल डिवाइस। सिस्टम यूनिट क्या है, बॉक्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स कह दे,
अच्छा जी, अब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? बॉक्स के अंदर पावर सप्लाई होती है एक मेन, ठीक है, पावर देने के लिए, इसी तरह मदरबोर्ड है, इसी तरह हार्ड डिस्क है, इसी तरह केबल्स हैं उसके अंदर, इसी तरह आपके पास जो है सीडी या डीवीडी रोम है। अच्छा, उसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट पैनल में आप देखते हैं इंडिकेटर लाइट है, पावर बटन है, कहीं ना कहीं वो ड्राइव बेस बनी हुई होगी। इसी तरह आपका बैक पैनल देखें तो वहाँ पोर्ट्स होती हैं, आपके पास पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए केबल लगाने के लिए पोर्ट है, माउस को माउस लगाने के लिए पोर्ट है, कीबोर्ड को कीबोर्ड लगाने की, इसी तरह मल्टीमीडिया को मल्टीमीडिया, इसी तरह आप अगर इस मल्टीमीडिया को भी गौर से देखें तो मुख्तलिफ पोर्ट्स आपको पीछे से नजर आ रही होंगी कि आपके पास मॉनिटर की पोर्ट अलग है। अच्छा जी, ये इसी तरह आपके पास वीजीए पोर्ट है, ये वाले इसी कलर की एक और पोर्ट उधर भी होगी, जैसा कलर होगा ये स्टैंडर्ड्स हैं। और से अगर देखा जाए तो उन स्टैंडर्ड्स को देखा जा सकता है कि ये स्टैंडर्ड, ये इस तरह की जो पोर्ट होता है इसका कलर जो होता है वो ब्लू है तकरीबन सबके अंदर। अच्छा जी, इसी तरह यूएसबी है, आप यूएसबी पोर्ट किसी भी, वो चाहे लैपटॉप में लगे, चाहे आपके डेस्कटॉप में लगे, चाहे मोबाइल के अंदर लगे, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड OSI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसको डिफाइन करती है। जैसे आपका एक मार्कर है ना, इस मार्कर के ऊपर भी आपका एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ होगा OSI ISO स्टैंडर्ड, हाँ जी ISO स्टैंडर्ड 11546 कि ये मार्कर जो है कोई भी कंपनी बनाए लेकिन ये इसी तरह ही होगा। और इसमें क्या खसूस, अरेजेबल होगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है इस तरह के ये इतनी इसके अंदर इंक होगी, इसकी शेप ऐसी होगी। अच्छा, ये इस तरह टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, ये आपके पास कोई भी ये है बुलेट ट्रिप वालों ने बनाया हुआ है। अच्छा, जब बाल पॉइंट आपने पियानो वालों का बनाया, ये जरूरी नहीं है ये पियानो वाले बना, लेकिन स्टैंडर्ड ये सेम हो। आप अरे पेंसिल जो बनाते हैं ना, पेंसिल कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल इसको, वो भी एक स्टैंडर्ड के थ्रू है, ऐसे नहीं है, हर एक चीज एक स्टैंडर्ड के थ्रू। आपने अल्लाह ने हमें भी स्टैंडर्ड के थ्रू बनाया हुआ, हमारी दो आंखें हैं, नाक है, लिप्स है, होंठ है, इसी तरह हमारे जो है कंधे हैं, बाजू हैं। अगर किसी का एक स्टैंडर्ड से हट के चीज है, अगर किसी की आंख नहीं है तो आप कहते हैं काना है, दांत नहीं है तो आप कोई और वर्ड, कान नहीं है तो आप और वर्ड देते हैं, हाथ नहीं है तो आप और वर्ड देते हैं, पांव नहीं है तो और, डेफिनेशन चेंज हो जाती है ना। अच्छा जी, अच्छा व्हाइट है, ब्लैक है, ये तो मेरे नबी ने तो फरमाया, तुम अल्लाह ने भी फरमा दिया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक अच्छा है, और अल्लाह ताला किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं है, तकवे के ऊपर फोकियत है। अल्लाह ताला दिल देखता है, ठीक है, क्या देखता है, दिल देखता है। तो ये चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है जी, इनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर का पता चल गया आपको, सॉफ्टवेयर क्या है, सेटअप इंस्ट्रक्शन टू टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, हमारे टास्क को पूरा करते हैं। उनमें टास्क जैसे आपने लेटर लिखना है तो आप वर्ड में यूज करेंगे, आपने स्टोरी लिखनी है इंग्लिश में तो वर्ड यूज करेंगे, आप इसी तरह कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आपने कोई टेबुलेशन फॉर्म में डाटा लिखना है तो एक्सेल यूज करेंगे, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, लेक्चर देना है तो आप स्लाइड शो करेंगे, आप उर्दू के अंदर कोई तहरीर लिखना चाहते हैं तो आप इन पेज यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये टास्क बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपका मोबाइल आपसे इंटरेक्ट एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के जरिए करेगा, अच्छा किसी का और सॉफ्टवेयर हो सकता है, मैक ऑपरेट सॉफ्टवेयर है, जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ठीक है। ये कैटेगरी है उनकी कि आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज हो रही है, इसके बिहाइंड इसके साथ दूसरे एक एप्पल मैकिंटॉश जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
तो इसी तरह आप कंप्लीट किया कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है।